हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। और मैं राहुल गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि मैं आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आप लोग के लिए जो है पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड जो है कंटेंट जो है लाना स्टार्ट कर दूंगा। और आज ये फर्स्ट डे है। कल मैंने आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरह जो है एसे को लिखने यानी एसे की प्रैक्टिस किया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए। कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी क्या अप्रोच होना चाहिए एसे राइटिंग को लिखने से पहले। दूसरी चीज़ अगर बात करें आपकी जो क्लैरिटी पे डिपेंड करता है कि आप उस जो भी टॉपिक है आप उसको कितने अच्छे से समझते हो, राइट। उसके अंडरस्टैंडिंग पे आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड है ना आपको अच्छे से नॉलेज हो तो ही आप एक जो है एक अच्छे एसे को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। वही उसी चीज़ की अगर बात करें, आज हम पहली वीडियो को लेकर लाए हैं आप लोग के सामने, एक जो वीडियो लेकर आया हूँ एसे से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ अगर आपको बता दो कि जितने भी कैंडिडेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि कॉपी इवेल्युएशन जो होता है, यानी कोई भी अगर मान लो कैंडिडेट इंडिविजुअल अगर कोई एसे की प्रैक्टिस करता है तो उसे उसके जो मिस्टेक हैं, जो भी लूप होल्स हैं, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, ठीक है, कि जिसे उसके जो है इम्प्रूव कर सके, राइट। क्योंकि वो डायरेक्ट आप अगर एग्ज़ाम में उस चीज़ को करते हैं और एग्ज़ाम के बाद अगर रियलाइज़ होता है तो कोई उसे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, राइट। आपको पहले इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी होती है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम का जो लिंक दे दूंगा उसमें आप अपने कॉपी को सेंड कीजिए और जो है मैं आपको जो है कॉपी को इवेल्युएट करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ देखिए, हमें बता दिया कि क्या क्या जो है अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको एसे राइटिंग जो है और जो भी जितने भी नोट्स हैं यानी एसे से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा कि एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है, तो वो आपको जल्दी मैं जो है फ्री जो है पीडीएफ जो है इसमें आपको जो है लिंक कर दूंगा यानी टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, राइट, और या अटैच कर दूंगा आपको जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कॉपी इवेल्युएशन की अगर बात बता दिया मैंने कि आप कॉपी अपने सेंड कीजिए जो भी एसे से रिलेटेड, आप जो भी एसे हो गया, पैसेज हो गया, प्रेसाइज हो गया, है ना, इडियम्स हो गए, इससे रिलेटेड जो भी है आप हमें सेंड कीजिए। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम भी आ रही है आप टेलीग्राम में हैं आप वहाँ पे हमें जो है मैसेज कीजिए, ठीक है, और हम जल्दी अपनी कोशिश करूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस का जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, है ना। तो उस चीज़ का यूज़ करके जो है हम दोनों, आप भी आप कुछ सीखेंगे और मुझे भी कुछ गेन होगा, राइट। हम ही समझ गए। तीसरी चीज़ अगर बात करें कट ऑफ की अगर बात करें तो बहुत सारे जो है एस्पिरेंट्स, कल मैंने जस्ट ऐसे ही बताया कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला, राइट। तो मैं कट ऑफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, फिर भी कल बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट किया कि सर मेरे 71 है, मेरे 72 है, या 70 है, 65 है, ऐसे कुछ जो कैंडिडेट्स हैं जिनको मतलब उन्होंने कहीं से भी सुना होगा कि जो इसके जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हैं, जो भी है दिक्कत है, तो उनके जो डाउट्स हैं वो सारे क्वेरी जो है उन्होंने था, तो मैं उसको सबसे पहले मैं आपको उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूँ कि जिनके भी जो भी कैंडिडेट्स हैं यूआर के, तो उनके अगर मार्क्स अगर बात करें, ठीक है, 75 के ऊपर है, ठीक है, 75 के ऊपर है, तो आप जो है एसे की प्रैक्टिस कीजिए, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कीजिए, ठीक है। मैं इसके रीज़न भी बता देता हूँ क्यों। देखिए, कोई भी सबसे पहली चीज़ तो मैंने पेपर देखी है, ठीक है, मैंने पेपर देखी, उसके पैटर्न की अगर बात करूँ IBSCI उसका काफ़ी डिफरेंस मतलब काफ़ी मतलब अलग थी, ठीक है, तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस था। तो फिर भी इसके जो है इजी टू मॉडरेट जो है इसका पैटर्न था। दूसरी चीज़ अगर बात करें कि अगर आप ऐसे डेली ऐसे अगर आप 75 से भी हैं तो अगर मान लीजिए आपके जो मार्क्स अगर मान लीजिए कट ऑफ 75 भी आ गया और आप इतने सीरियस थे नहीं, तो भाई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कोई भी आप देखें डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं लोग, या तो मैक्सिमम अगर टाइम भी दे तो 1 महीना या 45 दिन होता है, और उतने में अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो टोटल कितने हैं 550 है ना, और उतने कैंडिडेट्स तो इतने ही लेने हैं 550, तो आप समझिए 550 में बहुत सारे ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो सेलेक्शन ले लेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करते रहिए एटलीस्ट वन ऐसे इन बोथ लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जिन कैंडिडेट के पास 75 है मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सेफ है और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और 78 79 जिनके भी है उनके तो कुछ सोचने की बात नहीं है, ठीक है, तो आप जो है दिल लगाकर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नॉलेज को गेन कीजिए, ठीक है, रट्टा नहीं मारिए, आप नॉलेज को गेन कीजिए, उस चीज़ को समझिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, ये आपके रियल लाइफ में भी काम आने वाली है, राइट। आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के जो भी टॉपिक है आप लोगों के सामने जो लेके आया हूँ। देखिए, लिबरलाइजेशन आज की अगर टॉपिक है लिबरलाइजेशन, ठीक है। और लिबरलाइजेशन की मतलब पहले समझे आपको, कल मैंने एक तो छोटा सा ओवरव्यू दिया था, फिर भी आज समझते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप कभी भी एंसर राइटिंग में, आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बिगिनर हैं, जो मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसे ऐसे राइटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, कि उनके लिए भी ये काफ़ी जो है बेनिफिशियल होने वाला है। आप समझिए, जो कभी भी आप अप्रोच कर रहे हैं कोई भी ऐसे को, तो सबसे पहले आप उसको टॉपिक को समझिए, उसके टर्म को समझिए कि आप क्या उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, लिबरलाइजेशन है अगर हिंदी में बोले तो उदारीकरण। अब देखिए दोनों मतलब है, अगर दोनों मतलब में आपको समझ में आ गया हो कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। लिबरलाइजेशन यानी लिबर्टी फ्रीडम की बात करता है, किसी को आज़ाद करने की बात की जा रही है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ठीक है, यानी ये देश को आज़ाद नहीं किया जा रहा है, ये इकोनॉमी को आज़ाद किया जा रहा है, मार्केट को आज़ाद करने की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आप समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिखिए 3 से 4 लाइन, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 50 से 60 जो वर्ड्स है, मतलब एटलीस्ट में उतने लिख दीजिए। उसके बाद उसके हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करिए कि क्या उसकी हिस्ट्री रहा, क्या ओरिजिन रहा है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या रहा है, ठीक है। ये जरूर लिखिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली उसको क्या ओरिजिन रहा है, मतलब क्या मतलब उसका फ़ायदा क्या रहा, ठीक है, यानी उस पर इम्पैक्ट क्या रहा है। तीसरा चीज़ इम्पोर्टेंस क्या है, यानी अगर आप हम उस पॉलिसी का या उसका कोई भी चीज़ होता है ना, उसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है, ये सारे क्या है, साइनोनिम्स हैं। तो उसके इसके बारे में सोचिए कि भाई जो भी चीज़ है इसके फ़ायदे क्या है, इतना जो बात हो रहा है कि क्या फ़ायदा है, ऐसे राइटिंग लिखने का फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चैलेंजेस मतलब वही जो लिमिटेशन, उसके बाद ड्रॉबैक, उसके बाद आपको डिसएडवांटेज, ये सारे चीज़ क्या है, ये चैलेंजेस है, मतलब ये सारे क्या है, साइनोनिम्स, मतलब ये चीज़ उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसको लागू में क्या, लागू करने में यानी इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें इंप्लीमेंट करने में उसके क्या जो ड्रॉबैक, मतलब उसके ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशंस क्या है। सो ये हो गए चैलेंजेस। और फिफ्थ जो होती है कंक्लूजन, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कंक्लूजन में लोगों को, कि कंक्लूजन सर क्या लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो अगर आप इंपॉर्टेंस और ये चैलेंज लिख रहे हैं ना, इसी को कंक्लूजन में छोटे छोटे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप जो है चैलेंजेस कंक्लूजन बस लिख दीजिए कि वो जो चीज़ है अच्छा है, ठीक है, और हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले आप इसको साइड में रफ में लिख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ लिखना हो, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम देखिए इंट्रोडक्शन। अब हमने इंट्रोडक्शन देखा, देखिए हमने बताया था आपको लिबर्टी, लिबर्टी हमने बताया था कि क्या होता है, लिबर्टी मतलब क्या होता है, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी की बात हो रही है, यानी किस चीज़ की आज़ादी, यहाँ पे आज़ादी किस कॉन्टेक्स्ट में हमने बताया था, मार्केट की लिबर्टी की बात की, फ्रीडम की बात किया था, इकोनॉमी की बात किया था, राइट। तो हमने क्या किया कि किसे आज़ादी चाहिए, हमने तो कर दिया, देखिए इसका मतलब होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, हमने मार्केट को आज़ाद कर दिया। बट क्वेश्चन ये है कि भाई किसे आपको आज़ादी चाहिए, राइट। तो हमें चाहिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी किसके इकोनॉमी में जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी गवर्नमेंट के जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, आप उसको जो कम्प्लेक्स है, वो जो भी मेथड है उसको कम कीजिए, उसको सिंपल बनाइए, स्मूथ बनाइए, राइट, यानी इजियर बनाइए, जिससे लोगों को क्या है कि परेशानी ना हो, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने आपको येलो कलर से जो वर्ड है, जो थोड़े से आपको अगर लग रहा है कि इस वर्ड का मतलब नहीं है, तो मैंने आपको लिख दिया ताकि उसे आपको जो है समझा सकूँ और आपको बिल्कुल समझ में आए। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है। द वर्ड लिबरलाइजेशन इज डिराइव फ्रॉम वर्ड लिबर्टी विच मीन्स फ्रीडम, जैसा कि मैंने आपको बताया लिबर्टी यानी आज़ादी, जिसका मतलब है फ्रीडम, राइट। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग रिड्यूसिंग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस इन इकोनॉमी, राइट, यानी जितने भी अननेसेसरी मतलब बिना मतलब के आपने रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिए जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वो चीज़ को आप हटाइए, जो जो आपको नेसेसरी लग रहा है एक दो उसे ही रखिए, बाकी सबको हटाइए, ठीक है। तो हेंस लिबरलाइजेशन प्रमोट फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी जो लिबरलाइजेशन क्या करता है, प्रमोट करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स मैनी कंट्रीज हैव इम्ब्रेस्ड लिबरलाइजेशन टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इनहेंस ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशंस। देखिए इसका मतलब आप पहले इम्ब्रेस्ड का मतलब समझिए, इम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इम्ब्रेस्ड का मतलब इंक्लूड करना, यानी वेलकम इट विद ओपन आर्म्स, यानी जिसे बोलते हैं हम गले लगाना, राइट। तो बोल रहे हैं कि ओवर द पास्ट फ्यू डिकेट्स मेनी कंट्रीज हैव इम्ब्रेस्ड लिबरलाइज, मतलब बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है, बहुत से अपने उन्होंने गले लगाया है लिबरलाइजेशन को, बहुत से लोग एक्सेप्ट किया है लिबरलाइजेशन को, इम्प्लीमेंट किया है। किस लिए भाई, किस लिए इसको किया है, ताकि अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को लोग एस्टिमुलेट कर सके। एस्टिमुलेट का मतलब होता है कि
टू मेक समथिंग मोर एक्टिव एंड किसी चीज़ को हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक्साइटिंग बना सकते हैं, किसी चीज़ को बूस्ट कर सकते हैं ना, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने की बात की जा रही है। तो वो लिबरलाइजेशन काम क्या करता है, वो लिबरलाइजेशन का काम है कि आपके जो इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ वो अट्रैक्ट करेगा क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यानी बाहर से जो विदेशी निवेशक हैं वो लोग आपके देश में आएंगे, कैपिटल लेकर आएंगे, ठीक है, और इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा, आपके देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, राइट। इन्हेंस ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन यानी आपके जो भी ट्रेड है उसको जोड़ेंगे, यानी उस जो ट्रेड को क्या किया जाएगा, लिबरलाइज करता है, ट्रेड को भी इजी क्या करता है, एक इजी बनाता है, राइट। ट्रेड्स को भी क्या करता है, मतलब प्रमोट करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, अब आता है लिबरलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, सेकेंड चीज़ हमने पढ़ा था ओरिजिन और यह हिस्ट्रिकलिकल। तो हमने पढ़ा कि कॉन्टेक्स्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिबरलाइजेशन क्या है, ठीक है, ये समझते हैं। तो आपको अब पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन जो है इंडिया में अगर बात करें 1991 में जो पॉलिसी आई थी LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी आई थी, और उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, तो उन्होंने ये जो लागू किया था LPG पॉलिसी, जिसे क्या किया जाए टू बूस्ट इंडिया के इकोनॉमी को, ठीक है, और जितने भी जो इसको करने के लिए, ठीक है, इसको LPG लागू करने से पहले उन्होंने पहले क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो भी हमारे यानी उस टाइम की दिक्कत क्या चल रही थी, LPG लाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, पहले उस चीज़ को भी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी वाज लिबरलाइज इन द ईयर 1991 यानी 1991 में हमने ये जो पॉलिसी को लाया, और द इंडिया इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस टू अटेन सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी बहुत सारे उद्देश्य था इस लिबरलाइजेशन को लाने का। क्या, पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, हम जो अपने में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया, यानी हमारे देश में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो आपको उद्योगीकरण जिसे बोलते हैं, राइट, उसको मतलब प्रमोट किया गया, इन्हेंस किया गया, एक्सपेंशन किया गया, हमारे जो प्राइवेट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उसको और बढ़ाया गया, राइट। तो इंट्रोड्यूस किया गया फ्री मार्केट सिस्टम, सारे रेस्ट्रिक्शन जो हैं, ये सारे रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो उसको क्या किया, रिलैक्स कर दिए गए, यानी उसको कम कर दिए गए, जिससे क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी जो हैं वो क्या करें, आपके देश में इन्वेस्ट कर सके, वो भी आपको जो है ग्रो कर सके, यानी जो जो भी सेक्टर्स थे यानी जो पब्लिक सेक्टर्स थे यानी सरकार ने जिसके लिए रिजर्व किया था उसको कम कर दिया गया, यानी अब प्राइवेट सेक्टर भी उसमें जो है क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और वो जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें इंडिया में अगर बात करें तो उस टाइम जो है लाने का रीज़न क्या था, BOP रीज़न था, यानी जो है इसमें आपको जो है बैलेंस ऑफ आपको पेमेंट की क्राइसिस थी, यानी कहने का मतलब ये था कि जो कंट्री थे इनकैपेबल था ऑफ पेइंग फॉर इस एसेंशियल इंपोर्ट्स एंड सर्विसिंग, मतलब आप कोई सामान आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, कोई मंगा रहे हो और आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या हुआ। तो वही चीज़ जब फिलहाल उस टाइम इंडिया में हो रहा था, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, जो श्रीलंका में हुआ, जो क्राइसिस आया था वो क्या था, यही चीज़ था, BOP की कमी, राइट। वो क्राइसिस BOP क्राइसिस हो गया था। इंडिया में भी सेम हालत था 1991 में कि इंपोर्ट तो हम कर रहे थे बट हमारे पास जो है पैसे ही नहीं थे, ठीक है, जिसे हम पेमेंट कर पाए, तो ये दिक्कत हो गया। और इसीलिए जो हम LPG को लाया गया उसके रिस्पॉन्स में, ताकि इंडिया को जो है लिबरलाइज किया जाए, इंडिया के इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए, मार्केट को खोल दिया जाए। और यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1990 तक क्या हो रहा था, गवर्नमेंट इम्पोज किया गया था नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड इंडस्ट्री और कॉमर्स, राइट, यानी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ने सरकार ने लगा रखी थी, जैसे कि लाइसेंस हो गया, लाइसेंस राज हो गया, बहुत सारे आपको लाइसेंस लेने होंगे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कोई अपना स्टार्टअप जो बिजनेस। दूसरा अपना RBI यानी फाइनेंशियल सेक्टर में अगर बात करें, उसमें जो है आपके RBI जो बैंकों पे बहुत सारे कंट्रोल लगा के रखी थी, हाई टैक्स रेट हुआ करता था जिसे कोई भी फॉरेन कंपनीज स्टार्ट नहीं करना चाहती थी इंडिया में कंपनी। 1991 के बाद क्या हुआ, सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए, यानी जो RBI के कंट्रोल को क्या किया गया, ईज कर दिया गया, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो टैक्स बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले, जैसे कि GST हो गया है ना, बहुत सारे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, राइट, तो वो सारे चीज़ को क्या है ख़त्म करके एक छोटा सा सिंपल GST बना दिया गया कि अब आपको 50 जो है टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक टैक्स दीजिए जिसे बोलते हैं GST, राइट। सो आप समझ आ गया होगा आपको कि लिबरलाइजेशन है क्या और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। सो आप समझ गए, अब इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, मतलब कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए, देखिए सबसे एक चीज और बता दूं आपको कि अगर मान लीजिए पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप कोई कंपनी, ठीक है, अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे
मतलब प्रोसेस हुआ करते थे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करते थे कि अगर आपको किसी भी जगह अगर कोई काम कराना हो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट अगर करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस के लिए सोचिए हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना होता था, है ना। आप मतलब छोटे से छोटे चीज़ के पहले आप मान लीजिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड मान लीजिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता होगा, है ना। उसके बाद आपको जो इम्प्लॉय प्रोटेक्शन से कोई आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और हर जगह आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, प्लस करप्शन है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे तो हर जगह देने पड़ेंगे। तो इससे सोचिए कि आपको टाइम वेस्ट होता था, साथ में क्या होता था कि पैसे का भी जो है पैसे भी आपको वेस्ट करने पड़ते थे। तो आपको क्या होता था, ओवरऑल आप एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही जो है क्या लॉस में चले जाते थे। तो कोई भी कंपनी चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, कोई भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। समझ में आ गया आपको। तो यही चीज़ जो है इसी चीज़ को ये सरकार ने बोला कि ठीक है आप इंडिया में आइए, ठीक है, फॉरेन कंपनीज और इंडिया में बोला कि आप इंडिया में ही लगाइए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो ये लाइसेंस है इसको हम हटा दे रहे हैं, और अब एक ही या दो जो इम्पोर्टेंट है आप बस उसे ही लाइसेंस को लीजिए और बाकी अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, इन सबको हटा दिया, अब एक ही टैक्स रखा, ठीक है, कि आप GST दीजिए और बाकी जो है आप अपने बिजनेस को रन कीजिए जैसा आप चाहें। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट ने इस LPG पॉलिसी के अंडर लाया, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए अगर आप LPG ला रहे हैं एंड LPG सॉरी लाइबरलाइजेशन पॉलिसी ला रहे हैं, तो इससे आपके जो इकोनॉमी का इफिशियंसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, यानी क्षमता, एफिशिएंसी काम करने की जो क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से आप समझ सकते हैं, जो आप खुद ही एग्जाम्पल की अगर लें तो आप जितने भी गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं, जैसे कि मान लो बैंक हो गया, ठीक है, कि आप ब्लॉक में जा रहे हैं आप काम कराने, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, आपके पहले तो बात को ध्यान नहीं देंगे, या आप कोई भी अगर काम भी हो तो आपको 2 या 3 दिन तो आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है। बट आप प्राइवेट सेम चीज़ अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो वो जो है अपने इमेज पे फोकस करते हैं कि उनका इमेज कैसा है, ठीक है, वो अपने सर्विस प्रोवाइड करने पे फोकस करते हैं कि हमारा सर्विस जो बेस्ट हो तभी हमारे पास कस्टमर आएंगे। क्योंकि आपका अब एक चीज़ समझना चाहिए कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज हैं यानी उसके ऑनर्स हैं, उनका मोटिव क्या रहता है, बेनिफिट, ठीक है, यानी उनका मोटिव होता है पैसे कमाना। और पैसे आप तभी कमा सकते हैं जब आपका जो है प्रोडक्ट बेस्ट हो, है ना, सर्विसेज बेस्ट हो, और आपकी जो ट्रांसपेरेंसी हो, ये सारी चीज़ जब अच्छे होंगे तो आपके जो है प्रोडक्ट्स भी पक्के बिकेंगे, सर्विसेज भी जो है मतलब जो है सेल होंगे, राइट। तो ये इससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये जो है पब्लिक सेक्टर्स में इस चीज़ की कमी थी, तो इसीलिए लिबरलाइजेशन जो है प्राइवेट सेक्टर्स को इधर पे मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाया यहाँ पे, और इसने क्या किया, इसका एम था ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, किसको, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को जो है बूस्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डिटरमाइंड प्रोडक्टिविटी इनोवेशन हो गया, आपको कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, इससे आपको जो प्रोडक्शन बोले ना प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगा, इनोवेशन आएगा, क्योंकि इनोवेशन अगर फोर्स है जो प्राइवेट कंपनी आ रही है, मान लो फॉरेन से जो कंपनीज आ रही है वो अपने साथ क्या लेके आएगी, इनोवेशन लेके आएगी, है ना, वो अपने जो टेक्नोलॉजी लेके आएगी जो उनके पास है, जो अच्छे जो जैसे कंट्रीज हैं जैसे USA चाइना, अगर ये इंडिया में आते हैं तो वो अपने साथ क्या लेकर आएंगे, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, राइट। तो इससे इंडिया के जो भी इकोनॉमी है, इंडिया के जो कंपनीज हैं उनको भी फायदा होगा, वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज़ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप समझ गए, वही चीज़ मैं बात कर रहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, बाहर से जो विदेशी कंपनियाँ जाएंगी इंडिया में आएंगी, वो अपने प्लांट लगाएंगी, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देख लिया होगा क्या, एप्पल जो कंपनी है यानी आईफोन जो बनाती है वो इंडिया में आई, ठीक है, 2 जगह जो है कि आपने प्लांट लगाई, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, तो अगर उसमें जो काम करने वाले जो इम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे वो इंडियन ही होंगे ना, तो इंडियन होंगे तो इससे क्या हो गया, आपके पास इम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, इम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रोज़गार आया आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद जो टैक्स जो अगर गवर्नमेंट जो इस पे लगा रही है तो सरकार को टैक्स के थ्रू क्या मिल गया, रेवेन्यू, ठीक है, सरकार को पैसा भी मिल गया। तीसरी चीज़ अगर बात करें कंपनीज़ को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है, कंपनीज़ को क्या मिल गया, कस्टमर्स हो गए, यानी कंज्यूमर्स जो मिल गए, इतने सारे कंज्यूमर्स मिल गए तो आराम से जो है अपने प्रोडक्ट्स को सबको बेच सकता है। तीसरा चीज़, कस्टमर को क्या फ़ायदा हुआ, कस्टमर को बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। अब देखिए एप्पल भी लेके आ गया अपना स्मार्टफोन, चाइनीज़ ऑलरेडी कंपनीज हैं जो स्मार्टफोन बेच रही हैं, तो इतने सारे स्मार्टफोन्स के जो है कंपनीज इंडिया में हैं, और अब जो है कस्टमर जो है अब क्या कर सकता है, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी की फ़ोन चाहता है तो कोई भी आराम से चूज़ कर सकता है, यानी उसके पास जो है उस वेरायटी, यानी वेरायटी के क्या आ गई, यानी एक लंबा रेंज आ गया, यानी वाइड वेरायटी ऑफ जो रेंजेस हो गया ना उनके पास जो है अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो कस्टमर के लिए भी ये क्या हो गया, इजी हो गया, एंड इजीली उनको भी फ़ायदा हो गया।
तो ये आपको समझ में आ गया हो कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ। थर्ड चीज़ है ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन। हमने पढ़ा कि ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रेड ट्रेड अगर आप करें, देखो लिबरलाइजेशन फैसिलिट्स इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूस टैरिफ्स। अब जो टैक्स पे मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो टैरिफ्स लगते थे, ठीक है, यानी अगर आप कुछ दूसरे देश में बेच रहे हो तो वहाँ पे वो सरकार क्या लगाएगी, आप पे टैरिफ लगेगी कि आप सामान बेच रहे हो तो हम भाई 20% तो आपको लेंगे, यानी जिसे आपको सिंपल भाषा में बोलें तो भाड़ा ले रही है, किराया ले रही है, ठीक है, या हफ्ता ले रही है, ठीक है। तो वो समझिए कि लिबरलाइजेशन क्या करता है, उस जो टैरिफ से उसको कम कर दिया। अब यानी 30% से बोला कि नहीं ठीक है आप 5% दीजिए, तो कोई भी कंपनी क्या होगी, कोई भी जो देश जो है क्या होगा वो खुश हो जाएगा, उस देश में अपने जो है ट्रेड को बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर थे उसको हटा दिया, प्रमोट किया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो देश में जो चीज़ फेमस है, जो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसके सेल जो है ज़्यादा हो, दूसरे देशों में हम बेच सकें ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। ओपन न्यू मार्केट्स, नए मार्केट्स खुल गए, और इम्प्रूव एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और इससे क्या होगा, बहुत सारे गुड्स वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपको मिलने लगे, है ना, क्योंकि ट्रेड ऑफकोर्स ट्रेड होगा तो आप दूसरे बाहर से भी सामान मंगाएंगे, राइट, आपके ऑलरेडी देश में वो चीज़ भी है, ठीक है, और बाहर से भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वेरायटी बहुत सारे होंगे ना। तो ये सारे हो गए क्या, वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, नए नए मार्केट्स जो है वो खुलने लगे बाहर से, जो कंपनीज लेके आ रही हैं जो कि हमारे देश में नहीं है, तो वो चीज़ अब अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि क्या है लिबरलाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंस को क्या है, ठीक है। तो आप ये हो गया, देखिए जैसे ये देख रहा है यहाँ पे हो रहा है, बोला 1990 तक तो क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हुआ करना, मतलब कोई भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है अगर आपने कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको भाई लाइसेंस चाहिए, यानी आपको हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है। बट 1991 के बाद क्या हो गया, ये जो है सारे जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से, यानी जितने जो भी पब्लिक सेक्टर से जो रिजर्व थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या हो गए, वो कम हो गए, रिड्यूस्ड हो गए। और कुछ ही सेक्टर थे जिसके अल्कोहल हो गया, ठीक है, केमिकल्स हो गया, सिगरेट्स हाजर्ड्स हो गया, ठीक है, ये सारे बस जो हैं अभी जो है रिजर्व्ड है, अदरवाइज बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर ही जो है क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या आप बोले तो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये तीनों चीज़, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, थर्ड है इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है इस आपको जो है ऐसे राइटिंग में काफ़ी हेल्प करता है, आपको समझने में मदद करता है। आप उस चीज़ को समझिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, जहाँ भी दिक्कत आ रहा है उसको आप सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आप आजकल तो इजीली अवेलेबल है हर चीज़, तो आप उसको समझिए जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा आप उसको आप अपने कॉपी पर लिख नहीं सकते, राइट। सो अब नेक्स्ट है, आपको बात कर रहे थे, देखिए ये जैसे कि अगर बात करें पहले क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कैसे आया। अब मान लीजिए पहले क्या हो रहा था कि मान लीजिए आप कोई भी, पहले आरबीआई का कंट्रोल हुआ करता था, अगर मान लो कि एसबीआई चाहता है क्या, एसबीआई वांट्स टू ओपन 10 ब्रांचेज, अगर वो चाहता है कि 10 ब्रांच खोलना चाहता है तो आरबीआई के पास गया, आरबीआई से बोला कि हम 10 ब्रांच खोलना चाहते हैं, बट आरबीआई ने उसको परमिशन दिया सिर्फ 4 ब्रांच का ही, तो उसने कितने ब्रांच खोले कि 4 ब्रांच। बट 1991 के बाद क्या हो गया, ये इसके रिफॉर्म्स में क्या आया कि अब एसबीआई को 10 ब्रांच खोलने हैं तो उसको आरबीआई की ज़रूरत नहीं है परमिशन की, वो 10 ब्रांच जो है कहीं भी खोल सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें ये चीज़ जो है रिफॉर्म्स आया, फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आया, आरबीआई का कंट्रोल जो है क्या हो गया, वो कम हो गया। दूसरा चीज़ अगर बात करें फाइनेंशियल सेक्टर में और क्या क्या रिफॉर्म्स आए, कि देखिए 1991 में जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स है वही इंडियन बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स यानी ये जो जो आपके अगर बात करें ये जो शेयर है एफडीआई, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंक है, तो उसका भी शेयर होता होगा, राइट, यानी उसका भी वर्थ होगा ना, तो वर्थ होगा तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मान लो 100 करोड़ की उसकी कंपनी की वर्थ है, तो उसने क्या किया 100 करोड़ को जो छोटे 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 पीसों में 1-1 करोड़ करके बांट दिया। कोई भी अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे इस कंपनी का मालिक बनना है, तो आपने एक शेयर खरीद लिया 1 करोड़, तो आप भी हो गए इस कंपनी के मालिक। यानी अगर कंपनी अगर कुछ भी करती है तो आपसे भी परमिशन लेगी, आपसे भी जो है सजेशंस लेगी कि हम ये करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको एफडीआई के मतलब आपका जो ये शेयर हो गया, ठीक है, ये सारे जो शेयर्स हैं। अब इसी को इसी चीज़ में पहले क्या था, तो ये इसके जो शेयर्स हैं इसको खरीद सकती थी सिर्फ इंडियन कंपनी, राइट। तो अब 1991 के बाद क्या हुआ कि इसको जो है ये लिमिट को बढ़ा के रख दिया 74%, यानी अब जो है इन फॉरेन जो कंपनीज है वो भी इंडियन बैंक्स में जो है आके वो इन्वेस्ट कर सकती है, उनके शेयर्स को खरीद सकती है। अब देखिए शेयर्स को खरीदने से फ़ायदा क्या है,
अगर आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो सबसे पहला होता है कि वो जो फॉरेन कंपनीज है वो आपको क्या है आपके देश में कैपिटल लेके आ रही है, पैसा लेके आ रही है। क्योंकि अगर पैसा लगा रही है आपके बैंक में, आपके शेयर्स को खरीद रही है, आपको पैसा दे रही है, तो अल्टीमेटली वो कहाँ आ रहा है, आपके इकोनॉमी में आ रहा है। तो आपके इकोनॉमी को क्या हो रहा है, इकोनॉमी को क्या हो रहा है, बूस्ट मिल रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर बात करें, ये अपने साथ लेके आ रही है क्या, मैनेजमेंट स्किल, क्या मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स लेके आ रही है। ठीक है, या इनोवेशंस की अगर बात करें, इनोवेशन कर रही है, इनोवेशन लेके आ रही है, एक्सपर्टीज लेके आ रही है, टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। तो ये सारी चीज़ जो है आपके अगर कंट्री में अगर ये कोई अगर फॉरेन कंपनीज लेके आ रही है, तो इससे क्या हुआ आपके उस सेक्टर का, यानी उस फाइनेंशियल सेक्टर हो, उस बैंक में क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ेगी, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना। और इस एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, बाकी बैंक भी इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें भी फायदा होगा, और अल्टीमेटली घूम के क्या होगा, इंडिया को ही फायदा होने वाला है। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एलपीजी है, 1991 के बाद क्या रिफॉर्म्स हुए, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्रियल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी सेक्टर्स हो। ठीक है, वहाँ सब में क्या रिफॉर्म्स किए गए, सर्विस सेक्टर हो तो सब में हो गया। सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आईटी कंपनी है हमारी, वो एशिया में सबसे वन ऑफ दी अगर बोले तो सबसे ज़्यादा, यानी वन ऑफ द बेस्ट अगर आईटी सेक्टर्स में काउंट होती है इंडिया की, जो भी टीसीएस होगी सबसे बड़ा एग्जांपल है, टीसीएस है जो कि वन ऑफ द बेस्ट अगर आईटी कंपनी में शामिल है एशिया में। तो ये सारे जो भी हम इंडिया में जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं 1991 में, जो भी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के मदद से जो है ये सारी चीज़ क्या हुआ, ये बूस्ट हुआ इंडिया को, आज जो डेवलप कर रहा है इंडिया, उसमें जो है इनका बहुत बड़ा रोल है। राइट, आप समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ बैठते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, सबसे पहले हम बात करें इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की। मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर लिबरलाइजेशन हो रहा है, यानी अगर आप देखे होंगे कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ जो है, अगर मान लीजिए उसमें कुछ फ़ायदा है तो उसमें कुछ घाटा भी होगा। ठीक है, उसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो उसी इसी डिसएडवांटेज और चैलेंजेस की अगर बात करें, तो इसमें इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की अगर बात करें, यानी लिबरलाइजेशन कैन लीड टू इनकम इनइक्वालिटी बेनिफिटिंग सम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस मोर देन अदर्स। दिस कैन एक्सेसरबेट पॉवर्टी एज डिसएडवांटेज ग्रुप में लैक द रिसोर्सेज और स्किल टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे एक्सेसरबेट का मतलब होता है कोई चीज़ बद से बदतर कर देना, यानी कोई चीज़ ऑलरेडी ख़राब तो है ही, और ये इस खराब को और क्या बेकार कर दे रहा है, यानी और इसका हालत और बेकार बदतर कर दे रहा है। तो ये चीज़ बोल रहा है एक्सरबेट क्या कर दे रहा है, एक्सेसरबेट कर रहा है पॉवर्टी। यानी ये पहले गरीबी तो आपको पता ही है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आया तो गरीबी तो ऑलरेडी है। ठीक है, लिबरलाइजेशन अगर आ गया तो बोल रहा है कि इस गरीबी को और बढ़ा देगा। ठीक है, कैसे कि देखो, अगर बात है लिबरलाइजेशन आएगा तो इससे क्या होगा कि बिजनेस जो कोई मान लो पार्टिकुलर कोई बिजनेसमैन है, या कोई कोई एक स्पेसिफिक जो आपको सेक्टर में है उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा। जैसे बिजनेसमैन्स हो गए, ठीक है, जो बिजनेस है उसको ज़्यादा ये क्या करेगा, इसको प्रमोट करेगा, इन्हेंस करेगा। तो इससे क्या होगा कि उनके पास ज़्यादा पावर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, उनके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग, उसके ठीक से एडवांटेज, यानी बराबर एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, जो कि सरकार के अंडर होता है। सरकार है तो सरकार को सोशल वेलफेयर करना होता है, सरकार को सबको देख के चलना होता है। तो सरकार सारे रिसोर्सेज को क्या करेगी, इक्वल बांटती है। ठीक है, बट ऐसे जो क्या होता है इस सेक्शन में क्या होगा, लिबरलाइजेशन करने से क्या होता है, जो जो भी इंडिविजुअल बिजनेस हैं वो क्या करेंगे, वो डिमांड और सप्लाई पे काम करते हैं। ठीक है, और कि डिमांड और सप्लाई मतलब समझ रहे हैं ना, जिधर से ज़्यादा डिमांड आ रहा है जिस चीज़ पे, उसी चीज़ का उधर से सप्लाई होगा। ठीक है, तो इस पे जो है आपको इनइक्वालिटी और जो है पॉवर्टी और बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर बात करें है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर बात करें। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस लिबरलाइजेशन कैन लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बिजनेसेस में प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स ओवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस रिजल्टिंग इन इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड रिसोर्स डिप्लेशन। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम हो गया तो क्या है भाई, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनीज मान लीजिए, वो बोला बताया तो उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट ही चाहिए उन्हें, वो ध्यान नहीं देते कि आप
उसे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है या जिसको मतलब कुछ ही चीज़ को हार्म हो रहा है, इन्वायरमेंट हो गया ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी नदी है अब उसमें पोल्यूशन हो रहा है, वो अपने पोल्यूटेंट्स को गिरा रहे हैं ठीक है, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि नदी ख़राब हो रही है या क्या हो रही है, हवा क्या है पोल्यूट हो रहा है कि क्या हो रहा है, उससे उनके कोई मतलब नहीं, उनका मोटिव एक ही है कि प्रॉफिट कमाना है ठीक है। तो और अगर गवर्नमेंट अगर कुछ बोलेगी नहीं तो बिजनेस जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, वो अपना मनमानी करेंगी ठीक है, वो अपना जो है जिस तरह जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है चलाएंगी ठीक है, किसी का नहीं सुनेंगी, तो इससे क्या होगा इन्वायरमेंट पे ज़्यादा क्या होगा, इन्वायरमेंट का रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन होगा ठीक है, उन्हें रिसोर्सेज का डिप्लेशन होगा ठीक है, उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ जो है इस पर इम्पैक्ट आ सकता है, ये है इसका डिसएडवांटेज, इसका चैलेंजेस, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ठीक है। तो इसलिए जो भी प्राइवेट कंपनीज है गवर्नमेंट को भी जो एडवाइजरी देनी चाहिए क्या कि जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ठीक है, आप इकोनॉमी को ग्रोथ कीजिए, आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट कीजिए, लेकिन सस्टेनेबल प्रैक्टिस को ध्यान में रख के, सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब ऐसा प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आपको फायदा भी हो और इन्वायरमेंट को घाटा भी ना हो ठीक है, तो ये हो गया सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको जो है ध्यान देना चाहिए, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस का यूज़ किया जाए, ऐसे इन प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाए जिससे जो है बैलेंस रहे इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट दोनों। थर्ड है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, या तो आप हमेशा देखते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं कि जो भी मतलब गवर्नमेंट हो गए, जैसे कि मान लिया आप बोलते हैं कि ये जो है अंबानी या अडानी को क्या है प्रमोट करते हैं या फेवर करते हैं, यानी अगर आप कोई भी पार्टीज़ को बोलते हैं जैसे कि आप मान लो कि बीजेपी की अगर बात करें, आप बोलते हैं कि बीजेपी जो है अंबानी और अडानी जो है ये सारे जो है बिजनेसमैन को प्रमोट करती है, फेवर करती है, इनको क्या करती है, इनको इनके पास जो है ज़्यादा पावर है, मतलब इनको क्या करती है, इनके पास जो मतलब पैसे ज़्यादा हैं, इन ये जो ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो सरकार इनसे इनको सरकार को भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए होता है, सरकार इनसे पैसा लेगी तो इनको भी सरकार इनके बदले में कुछ देगी राइट। सो लिबरलाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाई कॉन्सेंट्रेटिंग इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस, वही चीज़ बात बोल रहा है कि किसी को इंडिविजुअल और बिजनेसेस की अगर बात करें उसके हाथ में क्या है पावर चली जाती है ठीक है, और जिसके पास में पावर जिसके पास पैसा हो वही कंट्रोल करता है इस दुनिया को, इस कोई भी गवर्नमेंट को ठीक है। दिस कैन क्रिएट टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अंडरमाइन द लेगिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट राइट। सो इससे क्या होगा, ये टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सारे रीजन, ये सारे जो चीज़ें जो हैं आज हम जो इंडियन डेमोक्रेसी में और इंडिया के पॉलिटिकल आपको इन्वायरमेंट डायमेंशंस में जो भी हम देखते हैं, ये सारे के रीज़न क्या है, ये सारे की चीज़ है पैसा। अब जो भी हम अपोजिशन हो और या जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट जो आज दोनों एक दूसरे पे जो है भी आरोप लगाती है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में इन चीज़ को लेके कि ये जो है इस बिजनेसमैन को क्या करते हैं फेवर करते हैं, तो ये सारा जो है खेल किस चीज़ का है, यह है आपको लिबरलाइजेशन का भी एक उसमें छोटा सा जहाँ कहीं भी हो उसका रोल हो सकता है। तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है देश में ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट को भी खतरा हो सकता है राइट। सो दीज आर दी चैलेंजेस जो कि लिबरलाइजेशन में पॉलिसी जो है या लिबरलाइजेशन प्रोसेस है इसमें जो है देखने को मिलता है राइट। सो एक और चीज़ है इसकी अगर बात करें, ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्म्स विल फेस हैवी कंपटीशन। अच्छा देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप अपने ट्रेड लिबरलाइज कर दिए ठीक है, अगर सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है चाइना को ले लीजिए, अगर आपने ट्रेड हमने लिबरलाइज कर दिया कि ठीक है अब दोनों देश का जो है मार्केट खुल गया है और आप हमारे देश में बेचिए मैं आपके देश में बेच रहा हूँ, लेकिन घाटा देखिए किसका है कि अगर कोई डेवलप्ड स्टेट्स है, यानी स्टेट्स का मतलब है नेशन, जैसे कि मान लीजिए चाइना और एक है आपका डेवलपिंग स्टेट जैसे कि इंडिया ठीक है, तो ये जो चाइना है ठीक है इंडिया में क्या कर रहा है, अपना सारा जो है सस्ता माल ठीक है, सस्ता माल ला कर इंडिया में दे रहा है, इंडिया के पास भी जो थोड़ा मोड़ा है वो भी चाइना में ले जा रहा है, लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी बोल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है तुमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी चलो तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि चलो तुमसे दो तीन चीज़ सामान लेता हूँ ठीक है, यानी मान लीजिए 100 रुपये का सामान ले रहा, पर चाइना तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है इसका, एक तो ऑलरेडी सस्ता है, बाकी नेशन से कंपेरिजन में अगर करें तो सस्ता भी है ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे वेरायटी है इसके पास, तो इंडिया के पास तो मान लीजिए कि मान लीजिए हम 10,000 का शॉपिंग कर लिए इसे, 10,000 का हमने इम्पोर्ट करवा लिया और हमने बेचा सिर्फ 100 का, तो हमारे पास कितने का, मान लीजिए 100 नहीं 1,000 का बेचा, तो फिर भी हमारे पास 9,000 का लॉस हो रहा, डेफिसिट देख रहे हैं ना,
ये जो डेफिसिट हो रहा है ना, इसे क्या हो रहा है, ट्रेड लिबरलाइजेशन से फ़ायदा किसको हो रहा है, जो कंट्री डेवलप्ड है उसे ही फायदा हो रहा है, यानी अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा फ़ायदा तो हो रहा है, बट हम जो हैं ज़्यादा कंज्यूम करने लग रहे हैं। क्या है भी, इससे क्या हो जाता है कि हमारे ही देश में जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कम्पीट नहीं कर पा रही हैं, वो ठीक से कम्पीट नहीं कर पाती है, उनका क्या लॉस हो जा रहा है, तो वो जो है बंद हो जा रहा है कंपनीज़। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे ही लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको फ़ायदा किसको हो गया, चाइना जैसे कंपनीज़ को। दूसरी चीज़, जो ये भी ये सामान बेच रहे हैं वो अनसेफ भी हो रहा है, ठीक है। अगर बात करें चाइनीज़ फ़ोन की, चाइनीज़ फ़ोन हो गया या ऐप्स हो गए, ठीक है, ये सारे अभी क्या है, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था गवर्नमेंट ने। क्यों लगाया था, क्योंकि क्या है, अनसेफ है, ये हमारे प्राइवेसी को क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, प्राइवेसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सबको ध्यान रखना होता है। और ये लिबरलाइजेशन जो है, लिबरलाइजेशन में ये सब जो है अभी भी लिमिटेशन और चैलेंजेस जो हैं ये बने हुए हैं, इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप लिबरलाइजेशन अपने देश में लाना चाहते हैं, इन चीज़ फैक्टर्स को, इन जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। जो भी कंपनीज है, चाहे वो इंडियन फॉरेन कंपनीज है, उन्हें जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और इन सभी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जो है, जिससे कि दोनों एस्पेक्ट्स को, चाहे इन्वायरमेंट हो, बिजनेस हो, सबको इक्वल प्रॉफिट हो, राइट। सो ये हो गया हमारा कंक्लूजन, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे कि लिबरलाइजेशन है क्या। सो हम लास्ट में हम बस थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, देखिए लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन पढ़ा मतलब कि क्या है लिबरलाइजेशन, इसके इम्पोर्टेंस को पढ़ा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके चैलेंजेस को पढ़ा कि ये क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जैसे अभी बताया कि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि किसी को हार्म ना हो, किसी को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, चाहे वो नेशंस के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो इंडिविजुअल या पर्सनल गेन के एस्पेक्ट में हो, चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी सेक्टर हो, सबको बराबर, ठीक है, उसमें जो है उस चीज़ का फ़ायदा मिले, राइट। सो ये हो गया हमें क्या है, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे टॉपिक का, और आज के बाद से मतलब और आपके बाद धीरे धीरे जो है हम आप लोगों के लिए जो है दूसरे टॉपिक्स पे धीरे धीरे जो है वीडियोस लाएंगे, और जल्द से जल्द आप लोगों को जो है जो भी नोट्स हैं वो जो ऐसे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे हम आपको जल्दी जो है टेलीग्राम में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और क्या है, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। तब तक धन्यवाद, कीप प्रैक्टिसिंग, एंजॉय योर लाइफ।